अध्यक्ष जी, ये आपके पीछे जो फ्लाई ओवर बन रहा है, काफी समय से बन रहा है और बहुत जल्द इसका उद्घाटन भी होने वाला है, इसके निर्माण प्रक्रिया को लेकर क्या कहना है आपका? हम लोग तो पिछले 2 साल से सुनते आ रहे हैं कि इसका उद्घाटन अगले 2 महीने में हो जाएगा, अगले 4 महीने में हो जाएगा। अब 2024 की इलेक्शन भी आ गई, लेकिन अभी भी हमें बताया जा रहा है कि ये जुलाई के लास्ट में या जुलाई के बाद हम इसका उद्घाटन कर देंगे। ये जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, पिछले 4 साल से कर किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले सीजन में, पिछली बरसात में कितने सारे पुल थे जो ये टह टेरी हो गए। अब फिर दोबारा साल बाद बरसातें शुरू हो गई। क्या सरकार और प्रशासन ने क्या इंतजाम करे हैं? मैं सरकार और प्रशासन को ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले सीजन में कितना सारा नुकसान हुआ था, लोग कितने परेशान हुए थे, लोगों का कितना सारा नुकसान हुआ था। क्या प्रशासन और सरकार ने इस बार कितने इंतजाम करे हैं, क्योंकि बरसातें फिर आने वाली हैं। और जो पुलों का हाल है, चाहे वो कीर्तपुर वाला पुल देख लो, अमरावती वाला पुल देख लो, ये जो फ्लाईओवर बन रहा है ये देख लो, जितने भी पुल बन रहे हैं, ये पुलों की हालत बहुत खस्ता है। आपने देखा होगा कि बिहार में 1 महीने के अंदर कितने पुल टह टेरी हो गए, जो साल साल तक कईयों पुलों का तो उद्घाटन भी नहीं हुआ था। तो मैं सरकार और प्रशासन को कहना चाहता हूँ, जनता परेशान है, जनता को इसका हल चाहिए। बरसात आने वाली है और बरसात के कारण इन पुलों को, लोगों की कनेक्टिविटी यहाँ से बद्दी, बहुत लोग जाते हैं और वो लोग परेशान होते हैं, तो सरकार को ये चीज़ का सोचना चाहिए।